हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज मैं जाने वाली हूँ चंदन नगर, और चंदन नगर में अभी जगदत्ती पूजा हो रही है और आज है नवमी। सो हम लोग जा रहे हैं भगवान की दर्शन करने के लिए, और वहाँ पे बहुत ही ऊंची ऊंची प्रतिमा बनती है। वहाँ पे 70 फीट 80 फीट ऊंची प्रतिमा बनती है, वहाँ पे बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही खूबसूरत पंडाल होती है गाइस। सो आप, मैं भी जा रही हूँ और आप लोगों को भी साथ लेके जा रही हूँ। और पूरे दिन मैं क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, और मैं क्या ज्वेलरी पहन रही हूँ और क्या कपड़े पहनूंगी, सब कुछ आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। और अभी तो मैंने स्किन केयर कर लिया है और उसके बाद मैं मेकअप करूंगी और मैं अपनी मम्मी के भी मेकओवर करने वाली हूँ गाइस। और आपको दिखा तो मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ, मेरी मम्मी कौन सी साड़ी पहनने वाली है और मेरी बहन भी कौन सी ड्रेस पहनने वाली है, वो साड़ी नहीं पहनने वाली है गाइस। सो आपको फटाफट दिखा देती हूँ और उसके बाद हम लोग बहुत ही जल्दी निकलने वाले हैं। और अभी बजे है, घड़ी में आप देख सकते हो 10:10 हुआ है। तो हम लोग 11:30 या फिर 12 के बीच में निकलने वाले हैं। सो पूरा दिन मैं क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी, कहाँ पे जाऊंगी, कहाँ रुकूंगी, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और सो गाइस चलते हैं और मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ रेडी होने के बाद। सो गाइस आप देख सकते हो मैं सब कुछ निकल के रखी हुई हूँ, कपड़ा वगैरह ज्वेलरी वगैरह सब कुछ मैं रेडी करके रखी हुई हूँ क्योंकि मैं लेट ना हो, और मैं साड़ी की पिन भी करके रखी हुई हूँ। मैं हमेशा ये इस वजह से मैं लेट होती हूँ इसीलिए। सो सारा मेकअप के प्रोडक्ट भी मैं बाहर निकल के रखी हुई हूँ क्योंकि मुझे लेट ना हो। और ना गाइस मैं बॉडी स्प्रे हमेशा लगाना भूल जाती हूँ रेडी होने के बाद, इसीलिए मैं बॉडी स्प्रे एडवांस में निकल के रखी हुई हूँ फटाफट से रेडी। ओके फ्रेंड्स, मैं चलिए मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ मिलती हूँ। सो हे गाइस, हम लोग रेडी हो चुके हैं और ये मेरी बहन है, वो मेरी मम्मी है, हम सभी जा रहे हैं और मेरे पापा आ रहे हैं पीछे। सो हम लोग चंदन नगर पहुँच के आप लोगों के साथ मिलती हूँ। सो गाइस, चंदन नगर पहुँचने के बाद हम लोग गए थे अपनी दीदी के घर। सो दीदी के घर में थोड़ी सी रेस्ट किया, और ये मेरी दीदी की बेटा है और यहाँ पे मेरी बुआ की लड़की की शादी हुआ है। सो हम लोग वहाँ पे रेस्ट किया, फिर लंच किया, फिर वहाँ से निकले हम लोग साँझ होने के बाद। सो मेरी दीदी की लड़के का कुछ दिन पहले बर्थडे था, इसीलिए केक काट के दिया था मेरे बुआ ने हम लोगों को, और हम लोग वहाँ पे लंच किया। उसके बाद हम लोग निकल गए थे भगवान के दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे ये सारे लोग आए थे माता की भोग लेने। सो फ्रेंड्स, हम लोग ब्रेकफास्ट करके नहीं निकले थे घर से, इसीलिए मेरी बहन को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी और हम सब मिलके नूडल्स खा रहे थे। मैडम डेढ़ कपड़ा आवे चलो फाइनली फूल दी तो बाबा।
जय मां बैठने की जगह था वहाँ पे हम लोग बैठ के थोड़ा सी रेस्ट कर रहे हैं।
तो उसके बाद जाएंगे दूसरे पंडाल में, समझते हैं दूसरे पंडाल में। तो गाइज हम लोग जहाँ पे जाते हैं हम लोग आइसक्रीम खा के ज़रूर घर आते हैं, क्योंकि हम चारों को आइसक्रीम खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मेरा फेवरेट है ये ट्विन वन आइसक्रीम, और मेरी बहन खा रही थी मैंगो आइसक्रीम। सो बहुत देर हो चुकी थी, उसके बाद हम लोग गए थे लॉन्च घाट, क्योंकि हम लोगों को गंगा नदी पार करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग घर पहुँचेंगे। सो लंच घाट में बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी, और लंच में भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ था। सो लंच घाट में पहुँचने के पहले ही 12 बज चुका था, इसीलिए हम लोग ट्रेन मिस कर गए थे। सो गाइस हम लोग चंदन नगर से बैरकपुर आ पहुँचे हैं अपने घर। अभी घर पहुँचे नहीं हैं, अभी रेल गेट क्रॉस कर रहे हैं। अभी बैरकपुर से मेरे घर बहुत दूर है, सो पैर बहुत दुख रहा है। बहुत हम लोग घूमे, बहुत पैर दुख रहा है गाइस। सो अभी 1:15 बज रहा है, रास्ता आप देख सकते हो पूरा सन्नाटा है, पूरा खाली है रास्ता। सो आप लोगों को ये वाला ब्लॉग कैसा लग रहा है, कैसा लगा? सो ये वाला ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो ये व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ गाइस, सो बाय। और मेरे साथ मेरे मम्मी पापा भी हैं, और अभी यहाँ से बहुत दूर है रास्ता। सो कैसे जाएंगे घर अभी सोच रहे हैं, लिटरली पता नहीं है। यहाँ से मेरे घर करीब 5 किलोमीटर दूर है, तो अभी यहाँ से कैसे जाएंगे पता नहीं है, क्योंकि रास्ते में कोई भी ऑटो रिक्शा कुछ भी नहीं है गाइस। सो बाय गाइस, मिलते हैं कोई दूसरे ब्लॉग में। सो बाय।